बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ब्लर इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा इफेक्ट है जो नॉर्मली छोटी मोटी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए मतलब ज्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह की जरूरत होती है। तो ये ज्यादातर आपको प्रीमियर प्रो वगैरह इस तरह के बड़े सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में मिलता है। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये अभी तक मैंने नहीं देखा किसी और एप्लीकेशन के अंदर अगर ये इफेक्ट हो। खैर, पावर डायरेक्टर की जो लास्ट अपडेट आई है अगस्त या सितंबर में, उसके अंदर उन्होंने ये इफेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है और बहुत ही काम का इफेक्ट है। आपको इसकी जरूरत पड़ती है अगर आपको किसी का फेस ब्लर करना है, ठीक है, या कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है आप गलती से आपके फ्रेम में आ गया, आपका क्लिप बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है लेकिन आप चाहते हैं वो वाला जो एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, या किसी की फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी की वीडियो बनाई है, आप नंबर प्लेट को ब्लर करना चाहते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आ गई है आपके क्लिप में, वो आप ब्लर करना चाहते हैं, कोई भी यूज हो सकता है, उसके लिए ये जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन मैं अगेन आपको बताता चलूं कि ये अगर आपके पास पावर डायरेक्टर का अपडेटेड वर्जन है अगस्त और सितंबर में जो उनकी अपडेट आई है, तो आपको ये मिल जाएगा, वरना आपको ये नहीं मिलेगा। तो मैं ये चल रहा गिव अवे करने वाला हूँ, नया अपडेटेड वर्जन, पेड फुल वर्जन बगैर वाटरमार्क वाला, 5000 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट होने पे। तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये फीचर और ये नया वर्जन चाहिए कि नहीं, तो इंशाल्लाह मैं आपको गिव अवे कर दूँ। अच्छा जी दोस्तों, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लर किस तरीके से आपने करना है अपने चेहरे को, या कोई सी भी चीज़ आपकी वीडियो में आप चाह रहे हैं वो ब्लर करना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि ये इफ़ेक्ट जो है, ये अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है पावर डायरेक्टर का तो उसके अंदर ये नहीं होगा आपके पास। ये अभी इनका अगस्त और सितंबर में जो इनकी अपडेट आई है उसके अंदर ही ये इफ़ेक्ट आया है। और जिन लोगों के पास नहीं है और वो पेड वर्जन चाहते हैं, फुल वर्जन पावर डायरेक्टर का, तो मैं 5000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मैंने अनाउंस किया हुआ है अपने चैनल पे कि ये वाला वर्जन मैं आपको दे दूंगा, तो जल्दी से उसके लिए सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह गिव अवे करूंगा इस वर्जन का, पेड वर्जन आपको मिल जाएगा। पहले आप देख लें इफेक्ट से आपने करना क्या है। सिंपली आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है, या वीडियो नहीं भी भले सेलेक्ट करें, आप सिंपली यहाँ पर आ जाएं, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है दूसरी लेयर का। अब यहाँ पे आपको ये नीचे इफेक्ट लेयर के नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है। जो पुराने जिनके पास पावर डायरेक्टर ऐप है उनके पास शायद ये नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप इफेक्ट लेयर्स में आ जाएं तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ये हमने कर लिया, तीन इफेक्ट्स हैं, तीनों आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो खाली ब्लर का आपको बताना था लेकिन तीनों ही आपको आज की वीडियो में मैं सिखा देता हूँ, एक ही वीडियो में, और ये हाईलाइट का, ठीक है। ये हम देख लेते हैं मोज़ेक वाला, ये देखें, ये आगे आपकी सेकेंड लेयर के ऊपर आपने सिंपली जो है यहाँ से पहले एडजस्ट कर लेना है इसका साइज़ वगैरह, ठीक है। आप चाहते हो भाई फेस ब्लर करना है आपने, और यहाँ से आपको उसको रिसाइज़ कर लो, भाई इस जगह को मैंने ब्लर करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप चाहते हैं कि जो है ना ये जो स्क्वायर शेप के बजाय ये थोड़ा सा सर्कल में आ जाए, ठीक है, तो आप लिप्स को यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सर्कल के अंदर आप देखें आ गया है। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि बेसिकली अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, ठीक है, मैं पहले इसको ब्लर को थोड़ा सा यहाँ आगे कर देता हूँ, और इसको आपको थोड़ा सा इसकी लेंथ इंक्रीज़ करके आपको मैं समझाता हूँ। आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका ब्लर का ये जो सर्कल है ये भी उठ के यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए आपको की फ्रेम्स के ज़रिए इसको एनिमेट करना पड़ेगा। आपने सिंपली करना क्या है, इसी को सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की फ्रेम्स पे आए आपने, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे पहला की फ्रेम दिया, यहाँ से आपकी ब्लरिंग स्टार्ट हो रही है, और फिर आप आगे आ गए, और आगे यहाँ पर आने के बाद आपने इसको बताना है कि भाई मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे चला गया है, ठीक है, और यहाँ आपने इसको दूसरा की फ्रेम दे दिया। अब आप देखें, मैं इसको प्लेबैक करता हूँ, तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है अगर आपका सब्जेक्ट मूव हो रहा है। अगर एक ही जगह है आपका सब्जेक्ट तो आपको ज़्यादा की फ्रेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आप सिंपली एक ही मरतबा अप्लाई करके वो कर सकते हैं। जैसे कि आगे अब हम आ जाते हैं ब्लर के अंदर, एक आपको ये ऐसे डब्बे डब्बे वाला ये मोज़ेक कहलाता है, ये जो डब्बे डब्बे पिक्सेलेटेड हो जाता है ना, ये इफेक्ट है। अगर आपको इस तरह से ब्लर नहीं करना बल्कि नॉर्मल जो ब्लर होता है इस तरीके से बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्लर जिसको आप कह सकते हो ये वाला करना है, तो आप ये ब्लर वाला चूज़ कर सकते हो। लेकिन सेम वो है कि यहाँ से आप जाके इसका शेप भी चेंज कर सकते हो, कर्व्ड रेक्टेंगल चाहिए या नॉर्मल रेक्टेंगल चाहिए या सर्कल में चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ से आके आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट कर लो, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्म की फ्रेम के ज़रिए आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको उसमें करके दिखाया। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि जैसे आपने ये वाला है पीछे, मैंने ये वाला एनिमेट किया है अभी, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ यार, एनिमेट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला ना मज़ेदार नहीं है, इसके बजाय मैं चाह रहा हूँ नॉर्मल वाला जो ब्लर है वो आ जाए, पिक्सेलेटेड ना हो, तो यहाँ पर मैं टाइप पर जाऊँगा,
और टाइप पे जाके इसको ब्लर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखें एनिमेशन मेरा वहीं का वहीं है, मुझे दोबारा से एनिमेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा ब्लर इफेक्ट आ गया इसके ऊपर, एनिमेशन मेरा वही है, तो मेरी मेहनत बच गई इस तरीके से, ठीक है। और एक इसके अंदर ऑप्शन है हाईलाइट वाला, हाईलाइट वाला आपको अलग से दिखा देता हूँ। ये रहा, ये आपका ट्यूटोरियल वगैरह आप कोई रिकॉर्ड करते हो तो आप चाहते हो कि यार कोई एक स्पेसिफिक जगह है जिस पर आप फोकस दिखाना चाह रहे हो लोगों का, कि भाई ये जो मैंने अभी बात करी है इस चीज़ की, इस ऑब्जेक्ट की, इसको आप गौर से देखें तो बाकी का एरिया सारा थोड़ा सा डार्क हो जाए और ये वाला हाईलाइटेड हो जाए, तो उसके लिए आप ये वाला इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें भी सेम सारे फीचर्स हैं, ट्रांसफॉर्म की फ्रेमिंग वगैरह, आप इसको चाहते हो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाए। इसी वाले के ऊपर हम हाईलाइट वाला अप्लाई करते हैं, टाइप में जाके इसको हम हाईलाइट वाला इस पर अप्लाई कर दिया हमने। अब आप देखें ये इस पर हमने की फ्रेमिंग लगाई हुई है, यहाँ से एक लाइट टाइप का इफेक्ट भी आ रहा है, इसको आप मुख्तलिफ यूसेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक हाईलाइट वाला आ गया, इसमें भी आप शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, सारी वही इफेक्ट्स हैं, तीनों के सेम है, ठीक है। ये तो अभी इन्होंने बेसिक दिया, आगे जाके अपडेट्स के अंदर ये और इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ अपडेट्स शामिल करेंगे, लेकिन अगर आपको ये तीनों बेसिक इसके फीचर चाहिए ब्लर और हाईलाइट करने वाले, तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। और 5000 सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह जैसे ही हमारे होंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों का गिव अवे करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम।